हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा G10। G10 होता क्या है और इसको यूज किस तरह किया जाता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। देखिए, G10 होता है प्रोग्रामेबल डाटा एंट्री, ठीक है। इसको दो जगह यूज किया जाता है, एक तो टूल डाटा एंट्री में किया जाता है, एक फिक्चर ऑफसेट डाटा एंट्री में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं दोनों पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए, टूल डाटा एंट्री, इसमें कुछ खास नहीं बताऊंगा, मेरा मोटिव मेन है कि मैं फिक्चर ऑफसेट के बारे में अच्छे से समझाऊं आपको, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, G10 L L10 P क्वेश्चन मार्क है, और R, यहाँ पे आप जो भी रखना है वो रखिएगा, ठीक है। और इसको जब ये डालिएगा, मतलब प्रॉम बनाइएगा, तो इससे प्रॉम बनाइएगा तो ये उसको रीड करेगा टूल लेंथ को, ठीक है। इसमें L11 आ जाए, G10, इसमें जो भी आपका P और R है, और ये हमारा रीड करेगा टूल लेंथ, जो VR होता है ऑफसेट, उसमें ये रेडियस को करेगा 12 वाले, और ये जो 13 वाला है ये हमारे रेडियस VR को ऑफसेट, ठीक है। तो इसमें जो भी वो G10 होता है वो होता है कोड टू ट्रांसफर डाटा, ठीक है। जो हमारा कोड है उसको ट्रांसफर करता है डाटा को, ये हमारा टूल कॉलम को L डिनोट करता है, P है ये हमारा रो ऑफसेट, जो टूल का रो ऑफसेट होता है उसको डिनोट करेगा, R होता है वैल्यू विद इन द अलाउड रेंज, ठीक है। जो भी उसका रेंज होगा रेडियस का, उसमें ये R का काम है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे चलते हैं, फिक्चर ऑफसेट एंट्री के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको लिखा जाता है पिक्चर ऑफसेट को G10 L2 P1, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, X क्वेश्चन मार्क, Z क्वेश्चन मार्क, Y और Z क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये कोड टू ट्रांसफर डाटा G10 है, और ये हमारा L2 है फिक्चर ऑफसेट डाटा, ठीक है। ये इसमें चेंज ना होगा, ये सेम है, जैसे इसमें टूल लेंथ के लिए L10 का यूज हुआ था और टूल लेंथ वियर के लिए L11 का यूज हुआ था, उसी तरह इसमें भी फिक्चर ऑफसेट डाटा के लिए L2 का यूज किया गया है, ठीक है। और जो इसमें P1 है, P1 का यूज करते हैं ऑफसेट, जो कि हमारा 54-55 वर्क ऑफसेट होता है, 56-57-58-59, जैसे 59 करेंगे तो P6 ले लेंगे, और 58 के लिए P5, 57 के लिए इसी तरह, 54 के लिए P1 लेंगे, ठीक है। P1 डाल देंगे तो हमारा जो भी ऑफसेट 54 में पड़ा उसे ही मशीन रीड करेगी, और XYZ आपका एक्सिस टू भी ट्रांसफर्ड है, मतलब जो भी आपका एक्सिस में जो भी डाटा होगा वो XYZ में यहाँ फिल होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 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 इसमें ये तो पिक्चर डाटा का एक स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। इसको G90 और 91 में भी बनाते हैं, ठीक है। इसमें G90 में बनाएंगे तो एब्सोल्यूट, मतलब सेंटर से जो भी है वहां से यहाँ एक होल हो रहा है, यहाँ होल, यहाँ जहाँ पे भी आपका होल हो रहा है ये सेंटर से एब्सोल्यूट में जाएगा, ठीक है। ये G90 में है, ठीक है। तो इसको G90 में बनाएंगे तो, और G91 में क्या होता है, डाटा को एक्सचेंज किया जा सकता है, मतलब जो भी करेक्शन करना है XY में तो हम वर्क में डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जो हमारा 54 वर्क है वो NG आ रहा है, उसमें हम जैसे ये P1 यूज किए हैं, तो P1 ये तो हमारा वर्क ऑफसेट हो गया, जो भी होल डायलिंग का आया वो डाल दिए हम इसमें, XYZ और B एक्सिस या A एक्सिस जो भी है वो डाल दिए, और जैसे ये P2 है, ठीक
तो ये हमारा 55 है, मान लीजिए दो दो स्टेशन का फिक्चर है, तो ये 54 है, ये 55 है, ठीक है। तो अगर इसको डायल करके जो भी एक्स वाई की रीडिंग है मशीन में इसमें डाल दिए, 55 वाले को इसमें डाल दिए, ठीक है, तो P2 हो गया। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, एक्स में हमको क्या करना है 5 माइक्रोन और जेड में वाई में 10 माइक्रोन का ऑफसेट देना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए होता है G91 यूज करेंगे, इसी G10 में ही। तो हमारा क्या होगा कि जो भी करेक्शन होता है एक्सटेंड डाटा मतलब बढ़ाने घटाने के लिए हम G91 का यूज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स में 5 और वाई में 10 दे दें, तो हमारा ये जो भी 54 है ये क्यों हो जाएगा। अगर 55 में भी आ रहा है उसमें भी दे देंगे, तो जितने हम ये ऑफसेट बनाएंगे उतने हम करेक्शन के लिए G91 में ही उसको बना लेंगे, जिसमें हम करेक्शन कर सकें एक वर्क में, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा सेशन, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।